हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसर्वन यशवीर फनी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। ओके दोस्तों, तो कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम आपको सीखना है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट किए। दोस्तों, मैंने लिखा है यहाँ पर कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम आपको बताऊंगा तो आपको पता है, चलिए सीखते हैं। तो देखिए, पहला हो जाएगा, मैं लिखूंगा पहला। चलिए दोस्तों, ले लेता हूँ। तो पहला इसमें से किसका बताऊंगा, हम जो है, हम क्या है, हम दोस्तों यहाँ पर जितने भी संसार में मनुष्य हैं वही हम मनुष्य हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए उसी के बारे में पहले आपको बताऊंगा, उसका जीवधारियाँ, उसके बाद वैज्ञानिक नाम। तो पहले लूंगा हम, यानी मनुष्य लूंगा। ओके दोस्तों, तो मनुष्य लेता हूँ, लिखा यहाँ पर मनुष्य। ओके दोस्तों, चलिए लिख दिया यहाँ पर मनुष्य। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये तो हो गया मनुष्य, जो हम लोग हो गए मनुष्य हैं। ओके दोस्तों, अब इनका जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम बताऊंगा आपको। इन्हें वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, इन्हें वैज्ञानिक लोग मनुष्य को कौन से नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, जिसमें मनुष्य को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं, आपको पता है, तो चलिए सीखते हैं। मनुष्य को जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम कहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं बताता हूँ, होमोसेपियंस। चलिए दोस्तों, लिख दिया मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस कहते हैं वैज्ञानिक लोग। आपको पता चल गया दोस्तों, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। अब चलिए आपको दूसरा बताता हूँ। तो देखिए, ये लिखा दूसरा, अब इसमें से क्या लूंगा, अब देखिए, अब बताता हूँ आपको इसमें से और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, तो मैं आज आपको जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं लिया यहाँ पर मेढक। चलिए लिख दिया मेढक। अब दोस्तों, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेढक को वैज्ञानिक लोग कौन से नाम से पुकारते हैं, ये आपको पता है, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मेढक के वैज्ञानिक नाम क्या होंगे, तो मेढक के वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रीना। चलिए पता चल गया, यहाँ पर देखिए इसका भी मैंने बता दिया कि मेढक के वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रीना होते हैं, वैज्ञानिक नाम उसे राना टाइग्रीना के नाम से बुलाते हैं 100%। ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ओके दोस्तों, NTPC, BPSC, RRB, SNMTC सारे एग्जाम, फॉर ऑल एग्जाम इज मस्ट। ओके दोस्तों, यह जरूर आएंगे हर एग्जाम में, 10th 12th में भी ये 100% पूछे जाते हैं, हर एग्जाम का पेज उठा के देख लो। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, अगला लेते हैं, तो इसमें तीन नंबर में मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसमें से और लूंगा तो और आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें मैं लिया, यहाँ पर लिख देता हूँ बिल्ली। चलिए बिल्ली लिखा दोस्तों, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर कहते हैं, कर दीजिए। ओके दोस्तों, आपको पता है इसका आंसर, तो चलिए आप इसका आंसर सीखते हैं, बिल्ली को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से, आपको पता है, तो चलिए सीखते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्ली को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं, तो देखिए वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं बिल्ली को, तो फैलिस डोमेस्टिका। चलिए दोस्तों, फैलिस डोमेस्टिका, चलिए पता चल गया यहाँ पर, इसको बिल्ली को वैज्ञानिक नाम फैलिस डोमेस्टिका के नाम से पुकारते हैं 100%। ओके दोस्तों, अब चलिए अगले बताता हूँ आपको कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम और। तो देखिए सीखिए, देखिए फोर्थ मैं लिया यहाँ पर, फोर्थ में आप बताऊंगा आपको इसमें से जीवधारियों के और कुछ वैज्ञानिक नाम। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लिया यहाँ पर कुत्ता,
कुत्ता। देखिए दोस्तों कुत्ता लिया। अब कुत्ता को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है दोस्तों कुत्ता को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? तो चलिए सीखते हैं किस नाम से वैज्ञानिक नाम पुकारते हैं कुत्ते को, वैज्ञानिक कुत्ते को पुकारते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो कुत्ते को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, कैनिस, कैनिस फैमिलरिस, कैनिस फैमिलरिस। चलिए कैनिस फैमिलरिस लिख दिया यहाँ पर, कैनिस फैमिलरिस। कुत्ते को जीवधारी वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलरिस पुकारते हैं, आपको पता चल गया। ओके दोस्तों अब चलिए अगला सीखते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा? और मैं यहाँ पर आपको वैज्ञानिक नाम बता के रहूंगा। ओके दोस्तों अब चलिए मैं फाइट में बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं आपको फाइट में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब इसमें से मैं और लूंगा जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए अब इसमें से लेता हूं गाय। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आपको पता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिए, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। चलिए सीखते हैं। तो गाय का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। चलिए बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। गाय को वैज्ञानिक लोग बॉस इंडिकस के नाम से पुकारते हैं 100%। ओके दोस्तों चलिए ये पता चल गया, यह हर एग्जाम में आता है, इसीलिए ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ओके दोस्तों चलिए गाय को वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। अब अगला लेता हूँ दोस्तों, अब अगला बताता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर लिया सिक्स में मैं आपको बताऊंगा और जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो देखिए दोस्तों अब लेता हूँ मक्खी। देखिए और सीखिए, यह सीखने का चीज है। देखिए दोस्तों मक्खी लिखा यहाँ पर, मक्खी। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम, मक्खी को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है मक्खी का वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? चलिए यह क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में 100% ही आएंगे। तो मक्खी को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? तो लिख देता हूं यहां पर, मस्का, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। चलिए यहां पर लिख देता हूं मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका 100% ये सही है। ओके दोस्तों चलिए ये आपको पता चल गया कि मक्खी को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं, तो मस्का डोमेस्टिका। चलिए अब अगला लेते हैं, इसमें अगला आपको पता है क्या लूंगा? तो देखिए सेवंथ, अब मैं बताऊंगा इसमें गेहूं लेता हूं। चलिए अब लूंगा गेहूं। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो देखिए गेहूं का वैज्ञानिक नाम, जो गेहूं उसे वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से आपको पता है? चलिए सीखते हैं किस नाम से पुकारता है। तो दोस्तों देखिए मैं बता रहा हूं, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम सैटिवम, ट्रिटिकम। यहां पर मैं बता देता हूं, ट्रिटिकम एराइजटिवम, एराइजटिवम। चलिए एराइजटिवम लिख दिया, ट्रिटिकम एराइजटिवम, ट्रिटिकम एराइजटिवम। ओके दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो ट्रिटिकम एराइजटिवम, एराइजटिवम। चलिए एराइजटिवम आपको दोस्तों मैं बताऊंगा। अब आपको मैंने सेवंथ का बताया गेहूं का, तो अब आपको एट का बताऊंगा। चलिए एट का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? तो एट में मैं लूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो मैंने इतना बताया इधर, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने तो इधर इतना बताया, चलिए इसे अंडर कर देता हूँ। देखिए मैंने इधर इतना बताया था, अब देखिए आपको अगला बताता हूँ। तो देखिए एट में, चलिए दोस्तों अब इसमें क्या है, अब मैं इसमें से लूंगा। तो देखिए अब क्या लूंगा, अब लूंगा आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम को,
आम को क्या कहते हैं वैज्ञानिक लोग, किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है तो चलिए सीखते हैं। आम को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? मैंगी फेरा। चलिए ये पता चल गया आम को किस नाम से पुकारा जाता है, मैंगी फेरा। चलिए दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। अब आपको नाइन्थ में मैं बताता हूँ और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। तो देखिए नाइन्थ लिखा यहाँ पर, अब दोस्तों नाइन्थ लिखा, अब इसमें से मैं और लूंगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहले लूंगा और उसमें से लूंगा, तो चलिए लेता हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लेता हूँ मटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लेता हूँ, देखिए धान लेता हूँ, चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ धान। तो धान को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? धान को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है तो चलिए सीखते हैं। तो धान को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? ऑर्जा सैटिवा। चलिए ऑर्जा सैटिवा के नाम से पुकारते हैं वैज्ञानिक लोग इसको, ठीक है। अब चलिए नाइन्थ में सीखते हैं। तो नाइन्थ में क्या है दोस्तों? नाइन्थ यहाँ पर टेंथ, अब टेंथ में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर धान को क्या कहते हैं? ऑर्जा सैटिवा। अब चलिए टेंथ में, अब क्या है? टेंथ में लूंगा मटर। तो मटर को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? मटर को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है तो चलिए सीखते हैं। मटर को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? चलिए तो यहाँ पर मैं और कुछ लेता हूँ, उसके बाद आपको सब एक साथ बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अलेवेंथ में लेता हूँ चना, उसके बाद यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिया चना, अब यहाँ पर लेता हूँ ट्वेल्थ में सरसों। चलिए सरसों ले लिया। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ इन सब के वैज्ञानिक नाम, मटर चना सरसों को किस नाम से वैज्ञानिक लोग पुकारते हैं? आपको पता है तो चलिए सीखते हैं। देखिए मटर को किस नाम से वैज्ञानिक लोग पुकारते हैं? तो दोस्तों मटर को किस नाम से पुकारते हैं तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों मटर को क्या कहते हैं? आपको पता है, चलिए मटर को कहते हैं वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम कहते हैं वैज्ञानिक लोग मटर को। चलिए अब चना के बात करेंगे, चना को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है चना को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? तो चना को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? सीजर एराइटिनम। चलिए सीजर एराइटिनम के नाम से यहाँ पर चना को पुकारते हैं, ये 100% आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। चलिए अब सरसों को वैज्ञानिक नाम किस नाम से पुकारते हैं? आपको पता है सरसों को वैज्ञानिक लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। चलिए दोस्तों कैम्पेस्ट्रीज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम बताया, या मैंने जितना भी बताया, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो यह मैंने जो बताया ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम का पेज उठा के देख लो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए ऐसा वीडियो और चाहिए आपको कि नहीं। ओके दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।